वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, मेडुला ऑब्लिगेटा तक अपन ने क्या है डिस्कस कर लिया था, वहीं से अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे। मेडुला ऑब्लिगेटा है, मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है, द मेडुला ऑब्लिगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द बोन्स अबव इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। कहाँ से कहाँ तक होता है, द मेडुला ऑब्लिगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द बोन्स अबव एंड इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड इट लाइज जस्ट विद इन द क्रेनियम अबव द फोरामेन मैग्नम। कहाँ पे होता है, क्रेनियम अबव एंड फोरामेन मैग्नम के पास। इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाई सेंट्रल फिशर। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो सरफेस है वो किसके द्वारा मार्क होती है, सेंट्रल फिशर्स के द्वारा क्या है मार्क होती है। द आउटर एस्पेक्ट इज कंपोज ऑफ व्हाइट मैटर। जो आउटर एस्पेक्ट है वो किससे बनता है, व्हाइट मैटर से बनता है। विच पास बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ग्रे मैटर लाइज सेंट्रली। वहां पे क्या होता है, विच पास द ब्रेन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, किसके बीच में पास होता है वो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। और एंड ग्रे मैटर इज लाइज सेंट्रली, और जो ग्रे मैटर है वो कहाँ पे रहता है, सेंट्रली रहता है। सम सेल कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट स्टेशन फॉर सेंसरी नर्व पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रम। तो मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है, द मेडुला ऑब्लिगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से कहाँ तक होता है, पोन्स के अबव होता है और कंटिन्यूस कहाँ पे तक होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बिलो तक। इट्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट लाइज जस्ट विद इन द क्रेनियम अबव द फोरामेन मैग्नम। इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क बाय सेंट्रल फिशर। जो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है वो किसके द्वारा मार्क होती है, सेंट्रल फिशर्स के द्वारा। द आउटर एस्पेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर। जो आउटर एस्पेक्ट है वो किससे बनता है, व्हाइट मैटर से। विच पास बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक पास होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या पास होता है। एंड ग्रे मैटर लाइज सेंट्रली, जो ग्रे मैटर है वो कहाँ पे होता है, सेंट्रली होता है। सम सेल कॉन्स्टिट्यूट रियल स्टेशन फॉर सेंसरी नर्व पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रम। कुछ नर्व जो है वो क्या करते हैं, सेंसरी नर्व पासिंग होती है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रम पे। द वाइटल सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी लाइज
इन इट्स डीपर स्ट्रक्चर। जो वाइटल सेंटर हैं ठीक है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल एसोसिएटेड विद द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी। वो क्या है, एसोसिएटेड रहते हैं किसके साथ, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के साथ। लाइज इन इट्स डीपर स्ट्रक्चर। दीज आर द कौन से हैं, कार्डिक सेंटर, कार्डिक सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वेजोमोटर सेंटर हो गया, रिफ्लेक्स सेंटर हो गया, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वोमिटिंग ठीक है, कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, ये सारी की सारी क्या है, इसके ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की क्या है, डीपर स्ट्रक्चर है। तो वाइटल सेंटर है, वाइटल सेंटर के अंदर क्या है अपना, कौन से हैं, कार्डिक सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वेजोमोटर सेंटर हो गया, रिफ्लेक्स सेंटर हो गया, ये सारे के सारे केस के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो सबसे पहला अपना क्या है, कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर क्या है, तो कार्डियक सेंटर जो है वो क्या है अपना, ह्यूमन ब्रेन का क्या है, एक पार्ट है, जहां से क्या होता है, रेगुलेट होती है अपनी क्या, हार्ट रेट जो है वो क्या है, रेगुलेट होती है। और जब हार्ट रेट रेगुलेट होती है तो वो तो क्या हो गया अपना, कार्डियक सेंटर का पार्ट हो गया ठीक है। और इसी के साथ ही क्या है, यहां से क्या होगा, नर्व और अपनी जो एंडोक्राइन है वो क्या है, दोनों के दोनों यहीं से क्या है, ओरिजिनेट होंगे। ये जो है अपना मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो क्या है, हार्ट बीट जो है वो विदाउट नर्व कंट्रोल के होती है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो अपनी हार्ट रेट है वो जो अपनी नर्व सिस्टम पे डिपेंड करती है। मोस्टली क्या है, अपनी जो हार्ट रेट है कार्डियक सेंटर के अंदर, जो अपनी हार्ट रेट जो आती है वो क्या है, उसके पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन पे क्या है अपना नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई भी अपने अपन एक्सरसाइज की है ठीक है, कोई भी अपने बॉडी ट्रोमा हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, जो अपनी हार्ट रेट है वो किस पे डिपेंड करेंगी, अपने जो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करेंगी। और जब नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करेंगी तो कहाँ से कंट्रोल होंगी, वो अपनी मेडुला ऑब्लिगेटा से क्या है वो ओरिजिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना है रेस्पिरेटरी सेंटर। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसकी लोकेशन क्या होती है, मेडुला ऑब्लिगेटा और जो अपना पॉन्स है ठीक है ब्रेन स्टीम के अंदर, वहां पे क्या है वो सिचुएटेड रहता है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है, मोस्टली तीन सेंटर बनाता है, तीन ग्रुप के सेंटर बनाता है, जिसमें क्या क्या होता है, दो जो है वो तो क्या है न्यूमोटॉक्सिक होते हैं, और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अपनी रिदम और रेस्पिरेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मली जो है वो क्या है अपनी
नॉर्मल जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं, बट किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर, ठीक है, ट्रोमा हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, उस दौरान क्या है जो आपका नर्व सिस्टम है उन पे वो कंट्रोल करेगा। जो वो वेजोमोटर जो है, वेजोमोटर क्या करता है, वेजोमोटर को अपन क्या बोलते हैं, वीएमसी भी बोलते हैं। ये क्या है, पोर्शन है किसका, मेडुला ऑब्लिगेटा का, मेडुला ऑब्लिगेटा और ब्रेन स्टीम का, जहाँ पे क्या होता है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर और जो होमोस्टेसिस प्रोसेस है वो दोनों के दोनों की कंप्लीट होती है। रिफ्लेक्स सेंटर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्स सेंटर के अंदर जो भी अपनी क्या है डाइजेस्टिव का पार्ट हो गया, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ब्रीदिंग हो गई, ब्लड का फ्लो हो गया, ब्लड का प्रेशर हो गया, कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, ये सारी की सारी क्या है जो अपनी रिफ्लेक्स सेंटर है वो कंट्रोल करता है इनपे। नेक्स्ट अपने डेक्लेरेशन क्रॉसिंग ऑफ द पिरामिड्स, इसके अंदर क्या होता है, इन द मेडुला मोटर नर्व डिसेंडिंग फ्रॉम द मोटर एरिया इन द सेरिब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड इन द पिरामिडियल ट्रैक्ट क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर। इन द मेडुला मोटर नर्व, जो मेडुला मोटर नर्व वो क्या है, डिसेंडिंग फ्रॉम द मोटर एरिया इन द सेरिब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड, कहां से कहां तक है डिसेंडिंग होती है, डाउनवर्ड होती है, कहाँ से कहाँ तक, मोटर एरिया इन द सेरिब्रम से लेके स्पाइनल कॉर्ड इन द पिरामिडल ट्रैक तक क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर, और क्रॉस करती है एक साइड से दूसरी साइड को, क्या करती है, क्रॉस करती है। दैट मीन्स दैट द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल द राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। इसका मीन्स क्या है, दिस मीन्स दैट द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल द राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। दीज ट्रैक्ट आर द मेन पाथवे फॉर इम्पल्स टू स्केलेटल मसल्स, जो ट्रैक्ट है वो क्या है, दीज ट्रैक्ट आर मेन पाथवे, ये क्या है मेन पाथवे किसका, फॉर इम्पल्स जनरेट करने का, कहाँ से, टू स्केलेटल मसल्स, ये क्या है मेन पाथवे किसका, इम्पल्स का, जो अपनी वॉलेंट्री मसल्स होती है उनका। तो इसमें क्या होता था, मेडुला मोटर नर्व डिसेंडिंग फ्रॉम द मोटर एरिया इन द सेरिब्रम, कहाँ से कहाँ तक है, मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम से लेके स्पाइनल कॉर्ड इन द पिरामिडल ट्रैक तक क्रॉस वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड को क्या है, क्रॉस करती है। दिस मीन्स दैट द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल द राइट हाफ ऑफ द बॉडी, इसका मीन्स क्या है, जो अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम है वो किस पे कंट्रोल करता है, राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा पे क्या है वो कंट्रोल करता है। दीज ट्रैक्ट आर द मेन पाथवे फॉर इम्पल्स टू स्केलेटल मसल्स, ये क्या है मेन पाथवे किस चीज के लिए, इम्पल्स के लिए।
नेक्स्ट है सेंसरी, सम ऑफ द सेंसरी नर्व असेंडिंग टू द सेरिब्रम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर इन द मेडुला ऑब्लिगेटा। कुछ क्या है सेंसरी नर्व, क्या होती है असेंडिंग होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, टू द सेरिब्रम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर इन द मेडुला ऑब्लिगेटा। वो क्या करती है क्रॉस करती है एक साइड से दूसरी साइड को, अदर एट लोअर लेवल लाइन इन द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कंट्रोल द रेट एंड फोर्स ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के अंदर कंट्रोल द रेट एंड फोर्स ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या है कंट्रोल करता है उसके रेट और उसके फोर्स पे। सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर ओरिजिनेटिंग इन द मेडुला पास टू द हार्ट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट एंड पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हैज द अपोजिट इफेक्ट। जो सिंपैथेटिक है सिंपैथेटिक क्या करेगा, जब भी अपने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा उस टाइम पे क्या होगा इंक्रीज होंगी अपनी जो हार्ट रेट है और जो अपने हार्ट पे फोर्स है वो क्या है बढ़ेगा, और जो पैरासिंपैथेटिक है वो क्या है इनका अपोजिट इफेक्ट डालता है जिससे क्या है वो स्टिमुलेशन है वो कम होगा। नेक्स्ट अपना रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या करता है कंट्रोल करता है किस पे रेट और डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन पे। फ्रॉम द दिस सेंटर नर्व इंपल्स पास टू द फेरेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व। कहाँ क्या होता है इसमें कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द सेंटर नर्व इंपल्स पास टू द फेरेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व। इंपल्स जो पास होती है इसमें विच स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम, जिससे क्या होगा स्टिमुलेशन होगा ठीक है कॉन्ट्रेक्शन होगा किसका डायफ्राम का, एंड इंटरकोस्टल मसल्स इज इनिशिएटिंग इंस्पायरेशन, और क्या होगा इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लेजर एक्सटेंड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड सप्लाई एंड बाय इम्पल्स फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर इन द कार्डियो कैरोटिड बॉडीज। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या करता है स्टिमुलेटेड बाय एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, किससे स्टिमुलेट हुआ है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड टू ए लेजर एक्सटेंड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड सप्लाई एंड नर्व इंपल्स फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर इन द कैरोटिड बॉडी।
नेक्स्ट है वेजोमीटर। वेजोमीटर में क्या है, वेजोमीटर कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स स्पेशली टू द स्मॉल आर्टरी एंड आर्टरियोल्स व्हिच हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर इन देयर वॉल्स। क्या होगा, वेजोमीटर सेंटर के अंदर कंट्रोल ऑफ द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर उसके अंदर क्या है, कंट्रोल होगा स्पेशल द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स, जो छोटी छोटी आर्टरी हैं और जो अपने ब्रेक डाउन होती हैं आर्टरीज उनसे जो आर्टरियोल्स बनते हैं उन पे, विच हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर इन देयर वॉल, इनका क्या है बहुत बड़ा पार्ट होता है। वेजोमोटर इम्पल्स रीच द ब्लड वेसल्स थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वेजोमोटर इम्पल्स है वो क्या है, रीच द ब्लड वेसल्स थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या है, इम्पल्स जनरेट होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है। स्टिमुलेशन में कोज अदर कॉन्ट्रेक्शन और डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स डिपेंडिंग ऑन द साइट। क्या होगा, इसमें स्टिमुलेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगी और वो डायलेट भी होंगी। डिपेंडिंग क्या करता है, डिपेंड किस पे करता है, ब्लड वेसल्स की साइट पे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स सेंटर। When irritating substances are present in the stomach or respiratory tract, narrow impulse pass to the medulla oblongata, stimulating the reflex center, which initiate the reflex action of the vomiting, coughing or sneezing to expect the irritation. Reflex center के अंदर क्या होगा, जो अपना stomach और respiratory tract जो है, यानी कि digestive tract और जो respiratory tract है, उसके अंदर अगर कोई भी फूड पार्टिकल या कुछ भी अपना क्या है रह गया और वो क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, जो अपनी ट्रैक्ट है उसको इरिटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बैक फ्लो होगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। कफिंग की हो जाएगी, स्नीजिंग की शिकायत होगी, ये किस में आता है, रिफ्लेक्स सेंटर में। नेक्स्ट अपना है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या होता है, द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द कोर ऑफ ब्रेन स्टेम। जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द कोर ऑफ ब्रेन स्टेम सराउंडिंग बाय न्यूरल पाथवे विच कंडक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व इम्पल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, विच कंडक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व इम्पल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज ए वास्ट वेस्ट नंबर ऑफ सिंपैथेटिक लिंक विद अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज देयरफॉर कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। नेक्स्ट है फंक्शन क्या क्या है। द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस। यह इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड में क्या है, जो कोऑर्डिनेशन बनाना है किसके साथ है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, इसको क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव अवेयरनेस दैट फंक्शन थ्रू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो आरएएस सिस्टम जो है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग जो सिस्टम है, उसके क्या है, अवेयरनेस रहनी, विच सेलेक्टिवली ब्लॉक और पास सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वो क्या करता है, सेंस जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, पास करता है कहाँ से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। एग्जांपल क्या है, द स्लाइड साउंड मेड बाय ए सिक चाइल्ड मूविंग इन द बेड मे अराउज हिज मदर बट द नॉइस ऑफ रेगुलरली पासिंग ट्रेन मे बी सप्रेस्ड। जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वो किस पे है, सेरिब्रम पे। थैंक
थैंक्स टू ऑल।